स्वागत है आपका साथ के बसात में। मैं हूं सनी गंगा सागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दिनभर की वो खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत करेंगे सबसे पहले राहुल गांधी से जुड़ी खबर से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तुगलक लेन का अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। दोपहर में उनके बंगले से सामान भरे ट्रक बाहर निकले। इससे पहले 14 और 21 अप्रैल को भी उन्होंने बंगले से अपने कुछ निजी सामानों को राहुल गांधी ने अपना बंगला खाली कर दिया है। 14 और 21 अप्रैल को भी उन्होंने बंगले से अपना कुछ निजी सामान ट्रांसफर किया था। बंगला खाली करने के दौरान राहुल बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि यह सच बोलने की कीमत है और मैं सच बोलने की कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। दरअसल सूरत की अदालत में मानहानि के मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद उनकी सांसद की सदस्यता खत्म हो गई, जिसके बाद उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 19 साल तक वो इस बंगले में रहे हैं। यहाँ से उनका एक अलग लगाव सा हो गया था, लेकिन वो नियमों का सम्मान करते और इसलिए वो इसे खाली कर रहे हैं। गांधी आज अपना बंगला खाली कर रहे हैं। हम अंदर मौजूद हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राहुल गांधी जो है यहाँ पर आए हैं और क्या कुछ जो है राहुल गांधी यहाँ पर कहते हुए जो है नजर आएंगे, महत्वपूर्ण रहेगा। पहले हम आपको बंगले की तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची हुई है, केसी वेणुगोपाल यहाँ पर जो है पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं और तमाम ऑफिशियल्स यहाँ पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी की बात करें तो वो यहाँ पर जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। पिछले लंबे समय से यहाँ पर जो है राहुल गांधी जो है रहते हुए नजर आते थे। लोकसभा जो है सांसद राहुल गांधी जो है चुनकर आते थे और हम पूरे अगर आपको इस बंगले की तस्वीरें दिखाएं तो ये कहीं ना कहीं बात करें तो कई जो है जो बड़ा बंगला यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन जिस तरीके से मोदी सरनेम की हम बात करते हैं उस मामले में राहुल गांधी को जब 2 साल की सजा सुनाई गई तो उसके बाद सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो जो संसद सदस्यता है वो राहुल गांधी की जो है जाती हुई नजर आई थी। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो ये बंगला खाली करने का नोटिस है वो राहुल गांधी को यहाँ पर जो है दिया गया था 22 अप्रैल यानी आज की बात करते हैं तो आज ये बंगला जो है खाली करने का नोटिस जो है राहुल गांधी को जो है आज तक का मिला था। और आज जो है हम देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी सुबह से कई बार घर से बाहर अंदर जो है जाते हुए नजर आए। कई दिन पहले से जो ट्रक के जरिए जो तमाम सामान था वो जो है यहाँ पर जो है जाता हुआ नजर आया। आगे की बात करते हैं तो राहुल गांधी जो है अब आगे अपनी जो माँ है सोनिया गांधी उनके घर पर जो है रहते हुए जो है यहाँ जो है नजर आएंगे। और खासतौर पर अब अगर हम बात करते हैं तो जो राहुल गांधी है ऊपरी अदालत में जाने का जो विकल्प है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पास जो है बचता हुआ नजर आता है। सूरत सेशन कोर्ट ने भी जो है राहुल गांधी को जो है झटका कहीं ना कहीं दिया था, जहां पर सीधे तौर पर बात करें कि सूरत सेशन कोर्ट में जो 2 साल की सजा सुनाई गई थी उसके खिलाफ राहुल गांधी जो है अपील करते हुए नजर आए थे, लेकिन वहां पर झटका लगा। अब जो हाईकोर्ट की बात करें या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करें उसका विकल्प जो है राहुल गांधी के पास जो है सीधे तौर पर बचता हुआ नजर आता है। और हम अगर आपको तस्वीरें इस पूरे बंगले की दिखाने की कोशिश करें तो ये काफी बड़ा बंगला है। लगातार मीडिया से मुखातिब जो है होते हुए जो है राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी जब ये बंगला खाली कर रहे हैं तो सीधे तौर पर प्रियंका गांधी यहाँ पर मौजूद हैं, सोनिया गांधी यहाँ पर मौजूद है, यानी पूरा परिवार जो राहुल गांधी का है वो यहाँ पर जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। उसके साथ साथ पार्टी के जो संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल वो भी यहाँ पर जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से कहा गया था कि 22 अप्रैल तक जो है राहुल गांधी अपना बंगला खाली कर दें तो वो बंगला फिलहाल राहुल गांधी जो है खाली करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब विकल्प राहुल गांधी के पास ही है कि वो ऊपरी अदालत में जाएं और वहां से कहीं ना कहीं जो सजा सुनाई गई है उस सजा को क्या वो पलटवाने में कामयाब रहते हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को राहत मिलती हुई नजर आएगी। अन्यथा राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता है वो रद्द हो चुकी है और जो बंगला है वो राहुल गांधी आज खाली कर चुके हैं। कैमरामैन मोनू चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। तो 12 तुगलक लेन का ये जो बंगला है ये राहुल गांधी ने अब आखिरकार खाली कर दिया है। हालांकि सूरत की कोर्ट में जो सजा बरकरार रखी गई है उसको चुनौती देने की बात कांग्रेस जरूर कहती है। हाई कोर्ट में इस मामले को चुनौती देने की बात कांग्रेस के आला नेता जरूर कहते हुए नजर आते हैं। तो आगे अब देखना होगा कि क्या
राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो पाती है और क्या फिर से एक बार उनको ये बंगला मिल पाता है। तो आज अक्षय तृतीया का पर्व है और पूरे देश में इस पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। अक्षय तृतीया के मौके पर विशेष मुहूर्त भी होता है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन कोई भी काम अगर आप करते हैं तो वो शुभ लाभ देने वाला, शुभ फल देने वाला होता है। ऐसे में आज प्रदेश में भी अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है वो धूमधाम से मनाया गया। बाजारों में खासी भीड़ देखी गई क्योंकि आज ही के दिन सोना या जेवरात खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। मंदिरों में जाना, दान पुण्य करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ साथ आज पितरों की भी पूजा की जाती है कई जगहों पर और कई तरह की मान्यताएं आज के इस दिन को लेकर है। परशुराम जयंती भी आज ही के दिन है, ऐसे में आज के इस दिन का विशेष महत्व है। मंदिरों में भी आज सुबह से ही तमाम भक्त पहुंच रहे हैं। कई जगहों पर दान धर्म किया जा रहा है, विशेष पूजा भी की जा रही है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक भी जुड़ चुके हैं। मनोज, आज जिस तरह से अक्षय तृतीया का पर्व पूरे देश भर में मनाया गया, छत्तीसगढ़ में भी इस मौके पर खास इस दिन का महत्व होता है। आज ही के दिन से जो किसान हैं वो अपनी खेती की शुरुआत करते हैं, नई फसल की शुरुआत करते हैं। ऐसे में आज छत्तीसगढ़ के लिहाज से किस तरह से अक्षय तृतीया का जो उत्सव है वो मनाया गया? जी सनी, आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जो है अक्षय तृतीया का खास महत्व है। इस पर्व को जो है माटी पूजन के रूप में भी आज के दिन को मनाया जाता है, साथ ही साथ जो है अक्ति त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा जो है भगवान परशुराम की जयंती भी आज है। और बात करें अक्षय तृतीया की, तो आज के दिन को जो है जितने भी है, मतलब कोई भी पल होता है, हर पल आज के दिन का शुभ होता है। बड़ी संख्या में आज के दिन में विवाह भी होते हैं। और बात करें अक्षय तृतीया पर होने वाले विवाह की, तो खासकर जो होते हैं गुड्डे गुड्डे के विवाह होते हैं, गुड्डे गुड़ियों के विवाह होते हैं। और हर घरों में जो है आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है गुड्डे गुड़ियों को प्रतीकात्मक रूप से रखा जाता है और उनके विवाह कराया जाता है। हम अभी यहाँ आए हुए हैं एक घर में, आज भी जो है छत्तीसगढ़ में एक परंपरागत तरीके से जैसे गुड्डे गुड़ियों का विवाह होता है, वैसे विवाह यहाँ पर कराया जा रहा है। एक दो स्टेज बनाए गए हैं जिसमें एक रिसेप्शन का स्टेज है और एक संगीत का स्टेज। आप देख सकते हैं बकायदा जो है जो दुल्हा दुल्हन है, गुड्डे गुड़िया है, उन्हें जो है हल्दी तेल चढ़ाया जा रहा है, उनका पूजन किया जा रहा है। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो बच्चे भी हैं, बच्चों में भी खासा उत्साह को देखने को मिल रहा है। साथ ही गृहिणियां भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। आज के दिन को विशेष रूप से मनाते हैं, खासकर जो गुड्डे गुड़ियों का पर्व मनाते हैं, क्या मान्यता है? पूर्ण है, दान धर्म आदि सब किए जाते हैं आज, बस बहुत अच्छा। कहीं बच्चे भी भूल रहे थे परंपरा को, आप लोगों ने बढ़िया से सजाया है, पूरे रीति रिवाज का पूरा पालन कर रहे हैं। क्या संदेश दे रहे बच्चों को भी, क्या सिखा? बच्चों को इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है और इस पर्व के लिए बच्चे बहुत प्रोत्साहित रहते हैं कि हम गुड्डे गुड़िया का विवाह करेंगे। और आज के दिन में मेंढकों का भी विवाह किया जाता है ऐसा माना जाता है, जिसके कारण से वर्षा बहुत अच्छी होती है और बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं शादी करने के लिए। इसका गुड्डे गुड़ियों का जो शादी है वो पूरा एक दूल्हा दुल्हन की तरह किया जाता है, पूरे रीति रिवाजों से, और ऐसे ही अक्षय तृतीया मनाया जाता है। आप लोगों ने पूरी तैयारियां की है, पूरे रीति रिवाज का भी पालन कर रहे हैं, बच्चों को भी पूरे बता रहे हैं, क्या पूरा संदेश दे रहे हैं? आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व में जो छत्तीसगढ़ में भोग लगते हैं प्रसाद, जैसे बड़ा पूड़ी गुलगुला, ये सब घर में बनाया जाता है, बच्चों में बांटा जाता है। बच्चे जो इस परंपरा को भूले ना, इसके लिए इनको बताया जाता है और ये सब जो पर्व में चढ़ाया गया प्रसाद, उसको बच्चे लोग खा के बहुत खुश होते हैं, उत्साहित होते हैं। इनको कुछ तोहफा भी दिया जाता है, गुड़िया गुड़िया को चढ़ाया जाता है, बच्चों में उसमें बांटा जाता है, बहुत खुश होते हैं इस त्यौहार को मनाने के। टिकावन भी होता है, साथ ही साथ जो है आजू बाजू के पड़ोसी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर मनोज, आज जो ये पर्व मनाया जा रहा है इसका एक अलग महत्व है और इससे ना सिर्फ जो हमारी संस्कृति है वो समृद्ध होती है बल्कि जो बच्चे हैं उन तक भी ये पहुंचती है और लोगों तक भी पहुंचती है। और छत्तीसगढ़ के लिए हमेशा से ही जो अक्ति का त्यौहार है उसका एक अलग महत्व रहा है, जो कि आज हम दिन भर देखते भी आ रहे हैं। आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे इस उत्सव को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है, लेकिन नतीजा उम्मीदों के मुताबिक नहीं मिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी स्वीकार किया है कि झूठी शिकायतों के जरिए लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। सीएम ने अब सिस्टम में सुधार पर जोर दिया।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिविल सर्विस डे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन में अब सुधार की जरूरत आन पड़ी है। कुछ कतिपय लोग अब इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। देखने में आया है कि कुछ लोग परेशान करने के मकसद से जनसेवकों और सरपंच की शिकायत कर देते हैं ताकि जांच हो जाए, अगर कोई फंसे तो उसे ब्लैकमेल किया जाए। वहीं शिकायत बंद कराने के लिए ब्लैकमेलिंग चरम पर है। हम तकनीक से दूर नहीं रह सकते हैं, पर इसका अवलोकन और विश्लेषण करना भी जरूरी है। हम लोगों ने सीएम हेल्पलाइन प्रारंभ की और सीएम हेल्पलाइन हमारी बहुत लोकप्रिय हुई। गुड गवर्नेंस के लिए अनेकों कोशिश हमने की, समाधान ऑनलाइन, जन सुनवाई, वन डे गवर्नेंस, सीएम हेल्पलाइन। लेकिन सीएम हेल्पलाइन में भी हम, मुझे लगता है सुधार की जरूरत इसलिए कि कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। किसी को परेशान करना है तो शिकायत करवा दो उसकी, और उनमें चुने हुए जनप्रतिनिधि भी सरपंच की करवा दो, जांच हो जाए फिर फंसेगा और फिर उसको ब्लैकमेल कर लो। कई बार किसी कर्मचारी की करवा दो या अधिकारी का करवा दो, और फिर बंद करने के भी के लिए भी के हमने तय किया कि संतुष्टि पूर्वक बंद होगी तो उसके लिए भी ब्लैकमेल करने के लफड़े शुरू हो गए कई जगह। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात सीएस ने कही है, अभी अब उसे हम दूर नहीं रह सकते। हमको इन चीजों को समय समय पर एक बार विश्लेषण कर लेना चाहिए कि कहां विसंगतियां आ गई, कहां गड़बड़ है, क्योंकि गड़बड़ करने वाले मैं डाल तो वो पात पात नए रास्ते निकालने की कोशिश करते रहते। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सीएम शिवराज को आड़े हाथों लेते हुए पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सीएम हेल्पलाइन में झूठी शिकायतों की बात स्वीकार कर ली है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कमलनाथ ने कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा ध्वस्त कानून व्यवस्था अगर कहीं है तो वह मध्य प्रदेश में है। पूर्व सीएम ने कहा कि शिवराज जी का कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं है, निरंतर व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। अब और तो और वे खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। अगर शिवराज सिंह जी खुद स्वीकार कर रहे हैं तो ये कानून व्यवस्था प्रदेश में क्या है आज सबके सामने है, और कानून व्यवस्था में सबसे गिरी हुई कानून व्यवस्था पूरे देश में मध्य प्रदेश में आज के दिन में है, और शिवराज जी का इस पर ध्यान नहीं है। शिवराज जी इसको खुद ही अब स्वीकार करने लग गए। अब देखना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के सीएम हेल्पलाइन के हो रहे दुरुपयोग की बात का कितना विश्लेषण कर उसे दुरुस्त किया जाता है, ये तो आने वाले दिनों में ही स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल पूर्व सीएम ने जरूर उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है। भोपाल साइनस 24/7 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए आईएनएस 24/7 के साथ। नमस्कार।